बलवंत साहब, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सवाल अहमदाबाद से है, विजय गधावी जी की तरफ से सवाल है। एजुकेशनल लोन पर है, पर ये जानना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हैं और उसके लिए एजुकेशनल लोन की रिक्वायरमेंट है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि जनरली जो एजुकेशनल लोन में अगर आपका किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उस तरह से पूरा प्रोसेस वर्क करता है, लेकिन इनके केस में ये एक कोर्स करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स। इन दैट केस क्या ऑफर्स हैं और क्या कुछ देखेंगे लेंडर्स, मतलब जब इसको लेकर आगे बढ़े? देखिए सौरभ जी, आपने सही बताया कि जो रेगुलर एजुकेशन लोन है वो जो अप्रूव्ड कोर्सेज वगैरह हैं उसके लिए मिलते हैं, परंतु जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स है उसके लिए भी कुछ बैंक्स हैं वो लोन देती है, जैसे IDBI है, ING वैश्य बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, ओरिएंटल बैंक है, तो और उनको जैसे 1 लाख का लोन चाहिए तो वो बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाएगा, इनके पेरेंट्स की इनकम भी नहीं देखेंगे, परंतु उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये इनका एडमिशन वहाँ पर हो गया है और जो जो जहाँ पे ये कोर्स कर रहे हैं वो जो इंस्टीट्यूशन है वो बैंक के वहाँ अप्रूव होना चाहिए और जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई यूनिवर्सिटी है उसे एफिलिएटेड होना चाहिए, मतलब जो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए जो इंस्टीट्यूशन से ये कोर्स करना चाहते हैं। तो चूंकि इनको 1 लाख तक का ही लोन चाहिए तो मेरे हिसाब से आराम से मिल जाना चाहिए। जी, यानी अगर किसी उस तरह से देख रहे हैं कोर्स करने का जिसके अपनी मार्केट में एक्सटैंडिंग है तो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी स्मॉल टाइम इंस्टीट्यूट से या इनफैक्ट किसी सेंटर से कोर्स करने का सोच रहे हैं जो इनकी विसिनिटी में जिस तरह से ये जानना चाह रहे हैं तो इनके लिए मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कोई छोटा इंस्टीट्यूट है या छोटा सेंटर जहाँ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसको लेकर स्पेसिफिकली लोन मिलना पलवन साहब मुश्किल होगा, मतलब इन दैट केस? हाँ देखिए, अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोई अप्रूव्ड नहीं है और कोई किसी ने ऐसे ही कंप्यूटर की क्लासेज वगैरह शुरू कर दी है तो उस कोर्स के लिए लोन नहीं मिलेगा। लोन जो जो इंस्टीट्यूशन है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, जैसे उसकी ऑल इंडिया ब्रांचेज है, एटलीस्ट स्टेट में ब्रांचेज वगैरह, और उसकी प्रेजेंस रिकग्नाइज होनी चाहिए और दूसरे इंस्टीट्यूशन में जैसे बैंक के द्वारा अप्रूव होना चाहिए या कोई यूनिवर्सिटी जैसे CA इंस्टीट्यूट के लिए भी कुछ जो कंप्यूटर के कोर्स वगैरह हैं वो आउटसोर्स होते हैं, वैसे जो बाकी जो एजुकेशन कोर्स के लिए भी कंप्यूटर के लिए और कहीं पे आउटसोर्स होते हैं तो उन इंस्टीट्यूशंस का अप्रूवल है, तो ऐसा कोई अप्रूव किया हुआ इंस्टीट्यूट होना चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स। अगले प्रश्न अगर मूव करें क्या इसमें, अगर ये उस तरह से आगे मूव कर रहे हैं, इसकी रीपेमेंट जो एक जनरल नॉर्मल एजुकेशन लोन्स की रहती है उसी तरह से क्या इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर है, मतलब या किस तरह से स्पेसिफिकली सेगमेंट में अगर इस तरह से आगे बढ़े तो वो वर्क करता है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि ये तो जो रेगुलर एजुकेशन लोन है उसमें कवर नहीं होता है, तो जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि रीपेमेंट की टर्म्स क्या होगी, पर नॉर्मली जो स्टैंडर्ड टर्म्स है कि भाई आपका कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद में या आपकी कोई जॉब लग गई उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको रीपेमेंट शुरू करना पड़ेगा। जी, तो लोन पर ये कार्यक्रम जारी रहेगा, कई और सवाल आ रहे हैं, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम कुछ ही देर में लौट कर आते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ।